आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि हाई कोर्ट ने जो आज इतना बड़ा अदालती फैसला दिया है उससे कम से कम पाकिस्तान के अवाम को कानून और आईन की पासदारी करने वालों को तकवीयत मिली है कि पाकिस्तान में कोई चोरी करके बच नहीं सकता और कोई भी कितना बड़ा हो, किसी भी सियासी जमात से तलक रखता हो, वो कानून से बालातर नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त PMLN जो शोर कर रही है, शोर चोर मचाए शोर, उसके मुतरादिफ है और खुदा ताला के फजल से आने वाले वक्त के अंदर मुझे पूरा यकीन है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर भी, कानून और आईन के ऊपर भी, कि आने वाला वक्त इस बात का अंदिया देगा कि पाकिस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जो भी कानून की खिलाफवर्जी करेगा, मुल्क के अवाम के खजाने से चोरी करेगा, उस चोर की सजा जो है इंशाल्लाह ताला जेल की सलाहों के पीछे होगी। नैब एक आज़ाद इदारा है, जो कुछ बिलावल कह रहा है, मेरा यह ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला उनकी भी बारी आएगी कि जितनी मनी लॉन्ड्री की गई है मेरे इस मुल्क को, आज उनकी अस्पतालों को देखें, आज उनके स्कूलों को देखें, आज उसकी महंगाई को देखें, बैरूनी मुल्क के कर्जों को देखें, तो हमारे शर शर्म से झुक जाते हैं, इसलिए कि किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी करप्शन नहीं हुई और करप्ट माफिया जो है अब अपने कैफर किरदार को पहुंचने जा रहा है। जो भी जुर्म करेगा, ख्वाह वो आजम सवाती है या कोई भी है, कोई भी करप्शन करेगा तो कानून और आइन से इंशाल्लाह ताला और अदालतों से नहीं बच सकेगा। नैब एक खुद मुख्तियार इदारा है, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं नैब वालों को भी कहता हूँ कि क्रॉस द बोर्ड जिस जिसने मुल्क का माल खाया है, गरीबों की आज आवाज़ है कि उनको कैफर करदार तक पहुँचाने के लिए नैब, कानून और आइन जो है उसको हरकत में आना चाहिए।